एक और मेंटलिस्ट अक्षय लक्ष्मण को भी बुलाया था। अक्षय भी फिल्म स्टार्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अक्षय लक्ष्मण, when I saw his show for the first time, he completely blew my mind off because he has taken magic to another level. I really enjoyed Akshay's show. Yeah, he came and performed for our family, and he was really wonderful. Blew our minds away. अक्षय की खासियत मंगेश से कुछ अलग थी। अब तक हमने चीजों को उंगलियों के इशारे पर नाचते देखा था, अब बारी इंसानों की थी। जी हाँ, शुरुआत में तो सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अक्षय का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उन्होंने होटल के मैनेजर को अपने पास बुलाया। तो मैम, डू यू माइंड? गो अहेड। ओके, आगे बंद कर दीजिए सर। संजीव जी, मैम बस आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगी अभी, और फिर मैं एक तलवार निकालूंगा, एंड दिस विल बी अ डिफरेंट शो ऑलटुगेदर। मैनेजर की आंखों पर पट्टी बांध दी, वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। यहाँ पर सीधा, अब हम बोल के या कह के शब्दों का प्रयोग करके हम बातें नहीं करेंगे, पर हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। इन अ मोमेंट मैं आपको बहुत हल्के से टच करने वाला हूँ, ओके? अगर आपको कहीं पर भी कोई टच फील होगा तो आपको कहना कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको क्या महसूस हुआ। ओके, ये रेडी? ठीक है, तो अब सीधे वैसे ही बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। कुछ भी अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी कहीं भी महसूस होता है तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, याद रखिए। ओके, अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखिए एंड सिर्फ उस टच पे फोकस कीजिए। ओके, मुझे बताइए आपको कहीं पे मैंने टच किया था? हाथ पे। ओके, और आपको कुछ पक्का दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? पक्का। इवन फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, फील होता है, तो आपको याद रखना है। ओके, मेक श्योर योर आईज आर कम्प्लीटली क्लोज, सिंपली फोकस ऑन दैट स्मॉल टच। जस्ट टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। नाउ इनफैक्ट ये जो दायां हाथ आपने टेबल पे रखा है, उसे टेबल पे से उठाइए। और लास्ट टाइम आपको कहाँ पे, वहाँ पे टच हुआ था? जस्ट टच देयर। आपको कहाँ फील हुआ था? चीन पे। कहाँ पे टच हुआ था आपको? चीन पे। हाँ, रखिए वहाँ पे हाथ एक बार, और मुझे उस रखिए मुझे उस टच का मोशन करके दिखाइए, कैसे फील हुआ आपको। हाँ, करके दिखाइए अपने हाथ से। दैट्स व्हाट यू फील। ओके, ये कैसे हुआ? अक्षय ने मेरी ठुड्डी को हल्के से छुआ था, पर मैनेजर को ऐसा लगा कि उन्हें छुआ है। जरा एक बार फिर देखिए। टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। क्या पट्टी के भीतर से मैनेजर देख पा रहे थे? क्या अपने दूसरे हाथ से अक्षय ने उनको भी ठीक उसी जगह छुआ था जहाँ मुझे छुआ? अगर ऐसा हुआ था तो फिर कैमरे ने इसे कैद क्यों नहीं किया? क्या दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था? इन सभी संभावनाओं की गुंजाइश ना के बराबर थी। तो क्या वाकई अक्षय रेस्टोरेंट मैनेजर के दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे? मैंने सोचा अब आंख पर पट्टी बांधकर मैं जानूं कि असलियत क्या है। हमने होटल में बैठी एक लड़की से इस कारनामे में शामिल होने की रिक्वेस्ट की। हाथ ऐसे करके? नो, राइट? फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर टू कम दैट क्लोज। ओके, नाउ क्लोज योर आईज, कीप योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट हैंड यहाँ पर सीधा ऐसे। ओके, एंड अनुराधा आप भी अपना, शॉक तो नहीं लगेगा? नहीं, वो देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आपका राइट हैंड आपके सामने है। ओके, अनुराधा आपको टच नहीं करना है उनको। ओके, मैं कोशिश करूँगा आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की। लेट्स सी इफ दैट्स इवन पॉसिबल। अगर श्वेता आपको कुछ भी महसूस होगा ना, हल्का से भी अगर आपको कोई टच महसूस होगा, तो आपको याद रखना है, आपको कहना कुछ नहीं है, बस याद रखिए आपको क्या महसूस होता है। बट इनफैक्ट मुझे बताइए, आपको कहीं भी कुछ भी मैंने टच किया कहीं पर भी, जब आपकी आंखें अभी बंद थी कुछ सेकंड पहले, कहाँ पर आपको महसूस हुआ? हाथ पर। ओके, लेफ्ट हैंड से मुझे बस यहाँ टच करके दिखाइए कहाँ फील हुआ आपको। सो दैट्स व्हाई यू फेल्ट इट। ओके, अब मुझे बस इतना सा बताइए, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज? एकदम थिन एज, एकदम फेदरी काइंड ऑफ अ टच, और वाज इट समथिंग वेरी हार्ड लाइक अ स्पून और फोर्क और समथिंग लाइक दैट? समथिंग लाइक हेयर। समथिंग लाइक हेयर, ओके। तो जड़े उखड़ रही हैं इसकी लगता है। ओके, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। नाउ श्वेता, आर यू श्योर यू फेल्ट समथिंग टच योर?
arm over there. See, this is what I was doing. I held the cloth in my hand and I was doing this to her, ekdam gently. And ye camera pe ho chuka hai record, to aap dekh sakti hain isko dobara. Did I touch her at all? आपने भी साफ साफ देखा कि अक्षय ने उस लड़की के हाथ को नैपकिन से छुआ था, यहाँ तक कि किसी ने भी मेरी तरफ अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ को छूकर कोई चीज गुजरी है। आखिर कैसे? क्या ये मेरा वहम था? अगर हाँ, तो आंखें बंद करके मुझे ये कैसे पता चला कि उस लड़की के हाथ को ही नैपकिन से छुआ गया था? नए जमाने की यह जादूगरी कितनी अद्भुत है कि किसी को छूने के लिए उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके अंदर ऐसी भगवान की कोई दी हुई शक्ति होती तो कोई पांच चीजें आप मुझे गिनाइए कि आप क्या क्या करती। गायब हो जाती। ओके। कहीं पर पहुंचने के लिए मुझे रोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओके, दो। वहां पर पहुंच जाती। ओके, तीसरा। कोई भी विश पूरी कर दे। किसी की कोई भी विश पूरी कर दे। तीसरी और चौथी। मेरी इसमें ही काम चल जाएगा। तो तीन चीजें आपने बताई। अगर आपने नोटिस किया ध्यान से तो इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं शोज करती। तो अगर आपको कोई ऐसी अद्भुत चीजें करते हुए दिख रहा है और वो शो कर रहा है या शो में दिखाई दे रहा है, दैट मींस कि वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके मनोरंजन के लिए, एक शो देने के लिए कर रहा है। क्योंकि वाकई में अगर किसी के अंदर ये दी हुई शक्ति होंगी तो ये सब टाइम पास क्यों करेगा? वो ये चीजें करेगा जो आपने कहा? नहीं नहीं, बट इसके बाद कुछ और समझने को बचा ही नहीं था। अक्षय सही थे।